हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? गाइस आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं अगेन आपके लिए लेट नाइट रीडिंग लेके आई हूँ। तो आज हम आपके पर्सन के थॉट जानने वाले हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके व्यूअर्स, तो आज हम ये निकाल के बाहर लेके आने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, तो एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी जोड़िक साइन के लिए होने वाली है। तो इसे पॉजिटिव वे में देखिएगा। जितना भी पार्ट यहाँ पे आपसे रेजोनेट हो उसे एक्सेप्ट करिए, जो पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो तो उसे जाने दीजिएगा। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि सबके साथ में सब कुछ रेजोनेट, और जरूरी यह भी नहीं है कि आपसे कुछ रेजोनेट ना हो। ठीक है, तो समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूरी रीडिंग ही रेजोनेट कर जाए। तो उसके लिए डिवाइन को थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा, रीडिंग को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। सो फिर चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की अभी क्या एनर्जी है, क्या वो सोच रहे हैं आपको लेके, क्या उनके माइंड में थॉट है। सो प्लीज डिवाइन एंगल गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड करिए, प्लीज हेल्प करिए अभी के इनके पार्टनर की क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। सो प्लीज हेल्प अस। तो देखते हैं व्यूवर्स। सो व्यूवर्स, वी हैव मैन होल्डिंग ए कॉइन, ओके, एंड वी ओके वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एंड वी हैव वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, ओके, वन मोर एंड मैजिशियन एंड द मिरर। ये कार्ड आपके निकल के आए, एंड एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज। तो ये कार्ड है गाइज हमारे पास, और ये दोनों कार्ड भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। ओके व्यूवर्स, सो देखते हैं टैरो क्या कहते हैं आज आपके पर्सन के बारे में। सो प्लीज़ डिवाइन हेल्प करिए मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिएगा, प्लीज़ गणपति बाबा हेल्प करिए। ओके व्यूवर्स, तो देखते हैं पहला कार्ड है गाइस हमारे पास टैरो से, एट ऑफ सोर्ड का, एंड किंग ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर एम्प्रेस, ओके एम्प्रेस, सेवन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स का कार्ड है गाइज हमारे पास, ओके लवर्स का कार्ड भी हमारे पास निकल के आया आज, टू ऑफ सोर्ड है, ओके व्यूवर्स, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, एंड व्यूवर्स वी हैव ओके नाइट ऑफ कप्स। तो ये कार्ड निकल के आया आज आपके पार्टनर की तरफ से, बॉटम ऑफ द डेक है, नाइन ऑफ वैंड्स एंड ए पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो ये गाइज कार्ड निकल के आए हैं। ओके सो व्यूवर्स, आई होप को कार्ड अच्छे से नजर आ रहे होंगे आज। ओके गाइज, देखिए सबसे पहले आज हमारे पास ट्रू लव की एनर्जी निकल के आई है, डिवाइन कनेक्शन निकल के आया है, एक सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन निकल के आया है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक लव मैनिफेस्टेशन में चल रहे हैं, ट्विन फ्लेम की एनर्जी में चल रहे हैं, जो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं अपने पार्टनर के सामने कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नजर आ रही है कि आपके पार्टनर सरेंडर करना चाहते हैं अपने ट्रू लव के आगे, यानी आपके आगे सरेंडर करना चाहते हैं, पर उनसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन गाइज यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां जो आपके पार्टनर को आपसे मिलने नहीं दे रही हैं। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बाउंडेशन में नज़र आ रहे हैं, एक परेशानी में नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पे नज़र आ रहा है कि ये जो आपसे मिलना तो चाहते हैं, बेइंतहा आपसे मिलने के लिए छटपटा रहे हैं। ठीक है, उनको उनको बस इनकी यही चाहत है इस समय कि कहीं ना कहीं मुझे मेरे पार्टनर से मिलना है। क्योंकि गाइज आपके पार्टनर को यहाँ पे एनवी का कार्ड यही दिखाता है कि आपके पार्टनर उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपका आने वाला भविष्य एक दूसरे के साथ में। ठीक है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ में कनेक्ट करें, अपना एक अच्छा भविष्य बनाए जिसमें बहुत सारी खुशियाँ हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, अपनापन हो, लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। तो आपके पर्सन देखो गाइज यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनके दिमाग में हर समय ये चीज़ें चलती हैं कि मुझे मेरे पार्टनर को हर चीज़ देनी है, जस्ट मुझे प्यार तो देना ही देना है, साथ ही साथ मुझे मेरे पार्टनर के लिए वो सारी मटेरियल चीज़ें देनी है, लाइक एक अच्छी लाइफ देनी है जिसमें मेरा पार्टनर खुश रहे, सक्सेसफुल लाइफ जी सके, जिसमें उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, वो दूसरों से अपने आप को जब भी कंपेयर करे तो अपनी वर्थ को हमेशा ऊपर पाए। ठीक है, सोसाइटी में उसकी हमेशा वर्थ ऊपर रहनी चाहिए मेरे पार्टनर की, मेरा पार्टनर हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे, उसको हर तरह की मैं सुख सुविधाएँ दे सकूँ, उसे प्यार दे सकूँ, उसे अपनापन दे सकूँ, उसे वो लाइफ में हर चीज़ में दे सकूँ जो इस जीवन में हर एक पार्टनर को वो देना चाहते हैं। मतलब हर एक जो पार्टनर होता है अपने लाइफ पार्टनर को देना चाहता है एक अच्छी लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ, एक लाइफ में हर चीज की खुशियां, अबंडेंस। तो गाइज ये चीजें आपके पार्टनर के दिमाग में चलती हैं। तो कहीं ना कहीं गाइज मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर इस समय
एक तो आपको लेके कहीं ना कहीं एफर्ट्स लगा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, आपसे मिल नहीं पा रहे, इन चीजों का भी इनके ऊपर प्रेशर है, साथ ही साथ गाइस यहाँ पे प्रेशर करियर का भी है। तो दोनों ही तरह की यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है आपके पार्टनर की तरफ से। एक आपके पार्टनर आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड ये बताता है कि वो आपके साथ में अपना घर बसाना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको प्रपोज करके कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं जो नेगेटिव आउटकम निकल के अगर इस रिलेशनशिप में आए हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं कुछ गलतियां हुई हैं आपके पार्टनर से, ठीक है, उन गलतियों को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अफसोस भी कर रहे हैं। तो एक हीलिंग करना चाहते हैं, हीलिंग के साथ साथ जो गलतियां हो गई हैं उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उन्हें रिमूव करना चाहते हैं, ताकि ये जो परेशानियां लाइफ में चल गई हैं, जो परेशानियां आ गई हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे की तरफ चाहते हैं, एक दूसरे की तरफ सच्चा प्यार है, एक दूसरे के लिए मतलब दिल में फीलिंग्स हैं, पर उन्हें एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उन्हें कनेक्शन नहीं हो पा रहा, उन चीज को लेकर आपके पार्टनर इस समय टेंशन में नजर आ रहे हैं, एक ऐसे कंप्लीशन में नजर आ रहे हैं, जो कंप्लीशन मतलब क्या है, नेगेटिव एनर्जी जिसमें आपके पार्टनर घिरे हुए हैं, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स है। तो आपके पार्टनर के दिमाग में इस समय सिर्फ वो थॉट चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं, पर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, होप नहीं नजर आ पा रही, क्योंकि वो आपसे मिलने के लिए इतने ज्यादा इस समय डेस्परेट नजर आ रहे हैं कि जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर यानी आप उनसे अपने पार्टनर से दूर हो गए हो, या आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए गाइस। तो आपके पार्टनर जैसे कि आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं, आपको अपना मतलब अपना अपना मानते हैं, सच्चे दिल से अपना मानते हैं, आपको अपना एज ए हस्बैंड या वाइफ वो मान चुके हैं, कहीं ना कहीं गाइस ये चीज़ें नजर आ रही हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर, चाहे वो कोई भी कीमत हो वो चुकाने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर कार्ड देखेंगे गाइस तो ये कार्ड भी यही नजर आ रहा है कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सोच रहे हैं कि मुझे अगर लाइफ में इस पर्सन को पाना है यानी आपको पाना है तो मैं इसके लिए किसी भी हद से गुजर सकता हूँ, मैं स्टैंड लेने से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन स्टैंड जो ले रहे हैं ना इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने गलतियां कर दी हैं, ठीक है, जल्दबाजी कर दी जिस वजह से इनको खामियाजा भी इस चीज़ का भुगतना पड़ा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें नजर आ रही, स्टैंड तो लिया आपके पर्सन ने पर गलत तरीके से कुछ गलतियां कर दी, स्टैंड सही से नहीं ले पाए, इन चीज़ों को लेकर आज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अफसोस में भी नजर आते कि मुझे अगर मेरी मदर से भी बात करनी है, ठीक है, आपको लेके उन्होंने अपनी मदर से बात की है शादी वगैरह, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और एक मदर एक फीमेल इशू यहाँ पे निकल के आया है। तो कोई ये मदर है, कोई एक फीमेल है जो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं है, और इन चीज़ों को लेके गाइज इन्होंने एफर्ट्स करे हैं कि इस पर्सन को आपके लिए राजी करने की कोशिश की है, इनको बताने की कोशिश की है, लेकिन जब इस रिलेशनशिप की सच्चाई इस फीमेल के सामने आई तो इस फीमेल ने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया कि भाई मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी, चाहे जो भी हो जाए, अब तुम जो मर्जी कर लो, तुम इस पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं लेके आ सकते। तो इन्होंने कम्प्लीटली जब रिजेक्ट कर दिया तो इस पर्सन को आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा तकलीफ हुई, कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा था जिसमें सब कुछ ठीक था, तो आपके पर्सन गाइज इन चीज़ों को लेके फिर टेंशन में आ गए, इनको समझ में नहीं आया कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए, क्या किया जाए, क्या करके मैं अपने पर्सन की तरफ बढ़ सकता हूँ, उसे अपनी लाइफ में लेके आ सकता हूँ। तो आपके पर्सन गाइस कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा रहे, क्लैरिटी नहीं ले पाए, ठीक है, उस टाइम पे गाइस, क्योंकि जब इनको पता ही नहीं था किस तरह से बात करनी, किस तरह से अपनी बात को प्रेजेंट करना है, या अपनी बात को हाइड रखना है या अपनी बात को ओपन रखना है, तो गाइस इन्होंने कहीं ना कहीं वो गलती उस समय करी जिस गलती को लेकर आज ये पछताए, और आज आपके पार्टनर के दिमाग में ये चल रहा है, एक नई उम्मीद नजर आ रही है आपके पार्टनर को कि मुझे अब ये काम करना है, अगर मैं ये काम कर लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने पार्टनर से फिर से कनेक्ट हो सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ये कार्ड भी यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर देखो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं कंप्लीट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में अबंडेंस लेके आना चाहते हैं, प्यार की मोहब्बत की और कहीं ना कहीं शादी की एनर्जी गाइज यहाँ पे नजर आ रही है। तो आपके पार्टनर देखो अपने घर में तो बात उन्होंने जरूर करी है आपको लेके, यहाँ पे चीज़ें नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं घर में इन चीज़ों को लेके फिर थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह भी हुआ है, एक रॉन्ग वे में गया है डिस्कशन, लेकिन आपके पार्टनर पीछे नहीं हट रहे हैं क्योंकि गाइज वो आपके साथ में ट्रू लव करते हैं। दो ही कार्ड गाइज यहाँ पे अगर देखें तो बताने के लिए काफ़ी है, अदरवाइज हमारे पास एक कार्ड और भी है जो यही बताता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ स्टैंड ले रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पूरी उम्मीद है कि मुझे मेरा पर्सन फिर से मिल जाएगा, मैं अपने पर्सन से कनेक्ट हो सकूंगा, उससे फिर उसको फिर मैं अपना बना सकूंगा, उसको अपनी लाइफ में लेके आ सकूंगा, क्योंकि वो मेरा सच्चा प्यार है, मैं अपने सच्चे प्यार को खो नहीं सकता, अगर मैंने इस समय अपने सच्चे प्यार को खो दिया तो फिर मुझे अपने जीवन में कभी वो सच्चा प्यार मेरा नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे गाइज ये चीज़ें हैं जिसको लेके आपके पार्टनर ने यहाँ पे स्टैंड लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, चीज़ों को बैलेंस करने की, मैनेज करने की, यहाँ पे
कोशिश आपके पर्सन ने की है, क्योंकि गाइस हमारे पास यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है जो ये बताता है कि आपके पर्सन दोनों ही तरह से एफर्ट्स लगा रहे हैं। कभी बात करते हैं पोलाइट वे में तो कभी बात करते हैं एंगरनेस में, कभी अपने स्टैंड दिखाने की कोशिश करते हैं तो कभी इमोशन से अपने परिवार वालों को मनाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों ही तरह की यहाँ पर एनर्जी है कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से बस मैं एक्शन ले सकूँ, किसी भी तरह से अपने घर वालों को मना सकूँ या इस एनर्जी से निकल के आपके पास मैं आ सकूँ। क्योंकि गाइज आपके पर्सन देखो इस समय सिर्फ अपने आप को में उस इस कहते ना खालीपन है लाइफ के अंदर, एक खाली खालीपन है, उस खालीपन को कहीं ना कहीं आपके साथ में वो कंप्लीट करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं गाइज अगर आप देखेंगे तो इस रिलेशनशिप में काफी सारी मुझे आने वाले समय के अंदर ये अपने पर्सन जो आपके लाइफ में चल रहे हैं ना, ये इस समय जो अभी एट प्रेजेंट के थॉट है, ये पॉसिबिलिटीज तलाश रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से वो डोर ओपन हो जाए, वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मैं अपने पार्टनर के साथ में कनेक्ट होकर उसको अपनी लाइफ में मोहब्बत से, मोहब्बत के रंगों से अपने जीवन को भर सकूं, अपने पार्टनर को बहुत सारी खुशियां दे सकूं जो वो डिजर्व करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो बहुत ज़्यादा अपना, मैंने बोला ना अपने आप को वो आपको सरेंडर कर चुके हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं। तो गाइज यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ भी कर जाना चाहते हैं, बस वो करने से घबरा नहीं रहे हैं अब। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है ओके व्यूअर्स। एंड गाइज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कार्ड भी यही बता रहा है कि देखो भाई आपके पर्सन ठीक है एक ब्रोकन हार्ट की एनर्जी में यहाँ पे चल रहे हैं। लाइफ में सब कुछ होते हुए भी कुछ ना हो पाना, आपसे दूर हो पाना, और आपके बारे में जो प्यारी प्यारी यादें थी आपके साथ में जो बिताई हुई, जब उनको याद कर रहे हैं ये पर्सन इस समय तो एक रोने भी लगे हैं, इस समय फूट फूट कर रो भी रहे हैं आपको याद करके कि यार मेरा पर्सन पता नहीं कैसा होगा, क्या हालत होगी उसकी, क्या वो मुझे याद कर रहा होगा, क्या वो इस समय उसकी कंडीशन होगी, पता नहीं कैसा होगा। तो गाइस ये चीज़ें भी आपके पर्सन याद कर रहे हैं, उन पुरानी बातों को याद करके कभी ये खुश होते हैं तो कभी रोने लगते हैं, जब आपके साथ में नहीं होते, अपना कनेक्शन पूरा हुआ नहीं देखते हैं तो रोने भी लगते हैं। तो गाइज यहाँ पे एक क्राइंग एनर्जी में नजर आ रही है जो आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे है कि आपके पार्टनर आपको लेके इतने ज्यादा पजेसिव हैं कि गाइज खोने से डरते हैं, आपको अपनी लाइफ में ना पाने से डरते हैं, लाइफ को अकेले आपके बिना जीने से डरते हैं गाइज। तो ये चीजें नजर आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से। आज की एनर्जी गाइज यही बता रही है कि आपके पार्टनर देखो स्टैंड लेने की वजह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा डर भी है दिल के अंदर, पता नहीं मैं कैसे करूंगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइज ये रीडिंग, इसको एज ए नॉर्मल वे में लीजिएगा, जैसा भी आपका पार्टनर है मेल फीमेल उसी हिसाब से गाइज इस रीडिंग को देखिएगा। तो आपके पार्टनर देखो कहीं थोड़ा सा डर रहे हैं, थोड़ा सा घबरा रहे हैं, थोड़ी सी स्टैंड दिखा रहे हैं, थोड़ी सी मतलब दिखाते कुछ होने की हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पावरफुल हूँ और मैं इन चीज़ों का सामना कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंदर उन्हें डर भी है, पता नहीं चीज़ें कैसी होंगी, कैसे मैं कर पाऊंगा ठीक है, कैसे मैं फेस कर सकता हूँ इन सबका, जमाने का भी डर है यहाँ पे ठीक है, सोसाइटी का भी डर नज़र आ रहा है और अपनी फैमिली का भी डर है ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली इन्फ्लुएंस तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ पे सोसाइटी इन्फ्लुएंस भी है, जिसकी वजह से गाइज आपके पार्टनर देखो अकेले हैं इस समय, साथ में इनके कोई नहीं है, तो इनको कहीं ना कहीं अकेले इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं ये डर भी रहे हैं। तो डर भी है और एक कहीं ना कहीं अपने आप को एक मैजिशियन की एनर्जी में दिखाने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों को फेस करूंगा और कुछ ना कुछ तो मैं तरकीब ऐसे ज़रूर निकालूंगा, ये निकालूंगी एक ऐसी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे जरूर मैं ढूंढ के निकाल के लेके बाहर आऊंगा जिससे मैं अपने पार्टनर से कलेक्ट कर सकूँ। तो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए जिससे मैं अपने पार्टनर के साथ में कनेक्ट हो सकूँ, उसको जाके मतलब एक हक कर सकूँ, उसे अपने दिल की बात बता सकूँ, उसे बता सकूँ कि मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ तुम्हारी हूँ, उसके अलावा मेरे पे किसी का हक नहीं है, सिर्फ तुम्हारा हक है, इसके अलावा मैं अपने ऊपर किसी का हक ना तो होने दूंगा ना होने दूंगी गाइस। तो ये एनर्जी गाइस आपके पार्टनर की इस समय बता रही है कि आपके पार्टनर किसी और को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अपने एज ए वाइफ या एज ए हस्बैंड, वो सिर्फ आपको ही अपना फ्यूचर पार्टनर मानते हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पे सारी एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ही को डिफाइन करती है कि मेरा पार्टनर सिर्फ मुझे चाहिए और मेरे पार्टनर को किसी और पे ना तो उसका हक हो ठीक है, वो पार्टनर सिर्फ मेरा हो और मेरे ऊपर सिर्फ मेरे पार्टनर का हक हो। तो गाइस यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है कि आपके पार्टनर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बट कहीं ना कहीं जो आज आपसे दूर हैं, आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और उनके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं गाइस देखो लाइफ में पेन भी नजर आ रहा है इन चीज़ों को लेके। जब स्ट्रगल करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, उनका कोई नतीजा नहीं मिलता है तो और ज़्यादा डिप्रेशन में, टेंशन में चले जाते हैं। तो यही चीज़ इनके दिमाग में इस समय चल रही है कि मुझे मेरे पार्टनर से इसे कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उसको अपना बनाना है, कैसे जाके उससे
मैं मिलूं, कैसे उससे बात करूं, सिर्फ यही इनके दिमाग में इस समय चल रहा है। ठीक है, कुछ बाउंडेशन तो ज़रूर है जिस वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कहेंगे भाई ये बच्चा नहीं है, छोटा बड़ा है, अच्छा खासा बच्चा है, तो वैसे देखो बाउंडेशन तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, तभी तो आपके पार्टनर आपसे नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे या फिर एडल्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बाउंडेशन की बात हो रही है। यहाँ पे एक ऐसी वॉच रखी जा रही है आपके पार्टनर के ऊपर कि आपका पार्टनर चाह के भी आपसे नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी है गाइस, कंप्लीशन है, इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने प्यार से अपनी मोहब्बत से आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके बिना अधूरापन फील करते हैं। प्लेफुलनेस गाइस, यहाँ पे कार्ड निकल गया कि आपके साथ जब ये पर्सन होते हैं तब इनको जीवन के अंदर अपनी सारी खुशियाँ मिलती हैं, जब आपके साथ में नहीं होते हैं तो लोनलीनेस में आ जाते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये चीज़ें नजर आ रही है, ट्रू लव गाइस हमारे पास अगेन है, तो आपका पार्टनर गाइज आपसे ट्रू लव करता है और इसकी गारंटी तो आप 1000% भी अगर डिवाइन से मांगोगे तो वो भी आपको दे देंगे कि आपका पार्टनर यस आपसे ही प्यार करता है। तो यहाँ पे गाइज, तो यहाँ पे कोई मतलब संदेह तो आपको होना नहीं चाहिए कोई इस तरह का कि मेरा पार्टनर मेरे साथ धोखा कर रहा है, ये कर रहा है। गाइज, धोखे की एक भी एनर्जी यहाँ पर आपको दिखी है आज? नहीं दिखी ना। तो गाइज, यहाँ पे जितने भी कार्ड आए, जितने भी डेक में जितने भी ब्यूटीफुल कार्ड जो सोलमेट कनेक्शन को दिखाते हैं, सारे कार्ड आज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपका पार्टनर सिर्फ आपसे प्यार करता है, किसी और से वो प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, ना ही वो सोच रहा है, सिर्फ आपको लेके गाइज वो अपनी एनर्जी को यहाँ पे लगाता हुआ नजर आ रहा है। छोटे छोटे एफर्ट जरूर लगा रहा है गाइज ताकि वो पर्सन आपसे मिल सके, आपको अपना बना सके। तो छोटे छोटे एफर्ट तो जरूर हैं पर कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहे हैं एफर्ट्स, ये नहीं है वो आपको भूल गया है या आपके साथ में कनेक्शन उसने तोड़ दिया है गाइज। ठीक है, छोटे छोटे एफर्ट्स तो जरूर हो रहे हैं गाइज, यहाँ पे एक कार्ड भी बता रहे हैं कि भाई अपनी तरफ से वो कोशिश तो जरूर कर रहा है, पर कहीं ना कहीं जो बाउंडेशन है ना इस पर्सन की लाइफ में चल रही, वो आपको आपके साथ में कनेक्ट नहीं होने देना चाहती हैं, आपके पार्टनर को दूर रखे हुए हैं आपसे। सोरो है गाइज, आपसे ना मिल पाने का, आपका ना हो पाने का, वो अपॉर्चुनिटी ना मिल पाने का, जिस अपॉर्चुनिटी पे, जिस रास्ते पे चल के आपका पर्सन आपसे मिल सकता है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है गाइज, इस चीज़ का उसे बहुत ज़्यादा दुख है, अफसोस है। ठीक है गाइज, देखो आउटसाइडर की तरह है वो लाइफ में, अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है, वो डोर खुलने का वेट कर रहा है कि बस ये मुझे, मेरे पास ये बंधन हटे, मेरे को रिलीज करा जाए, मुझे ये सब एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बस किसी ना किसी तरह से मैं अपने पार्टनर से मिल सकूं, वो अपॉर्चुनिटी का आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। टेंशन में, डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि वो आपसे नहीं मिल पा रहे, उनका वो तकदीर का ताला नहीं खुल रहा है, वो समाज का ताला नहीं खुल रहा, वो परिवार का ताला नहीं खुल रहा है, वो बाउंडेशन का ताला नहीं खुल रहा जिससे वो आपसे मिल सके। तो कहीं ना कहीं गाइज यहाँ पे ये परेशानियां जरूर है कि आपके पर्सन को आपसे कनेक्ट नहीं करना देना चाहती है। कुछ गाइज यहाँ पे पास्ट लाइफ के लोगों का इन्फ्लुएंस भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो जो लोग आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट जो परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से भी गाइज ये लोग आपकी लाइफ में परेशानी क्रिएट करते चले आए हैं। गिरगिट की तरह है, दिखाते कुछ और है कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन रंग अपना बदल दे दें। जब हेल्प की मतलब एक हेल्प लेने की बात आती है ना लोगों के साथ में, आपका पर्सन इनसे जब हेल्प लेने जाता है तो ये अपना गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं और अपना दिखाते कुछ और हैं, तो आपका पर्सन फिर और ज़्यादा सैडनेस में चला जाता है कि यार इस पर्सन ने तो मुझसे वादा किया था कि तेरी मैं हेल्प करूँगा, तेरी को तेरे पार्टनर से मिलवाऊंगा या इन चीजों को कनेक्ट करवाऊंगा, तेरे सच्चे प्यार से मिलवा दूंगा, लेकिन वही पर्सन गाइस धोखा दे देते हैं, वही अपना गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। तो आपका पार्टनर इस समय बहुत ज्यादा पेन में है, गिल्ट में है गाइस, पेन इंतहा है पेन की गाइस, कहीं ना कहीं अगर आप खुद देखोगे ना, पेन की इंतहा है, पेन इतना है कि आपका पर्सन गाइस बियर नहीं कर पा रहा है, इतना परेशान है कि इस बंधन से निकल नहीं पा रहा है। तो गाइज ये चीज़ें आपके पार्टनर की आज निकल के आई हैं जो इनको बहुत ज़्यादा पेन में दिखाती हैं, सिर्फ आपके लिए तड़पता हुआ दिखाती हैं इस पर्सन को। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग निकल के आई आज आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी गाइज, अगर की है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो मैं मिलती हूँ नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड गाइज गॉड ब्लेस यू, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।